नॉट फोर्थ स्टैंडर्ड। देखो अपन मराठी का सिक्स वा लेसन देखेंगे, फरक ओळखा। फरक फरक ओळखा यानी डिफरेंट पहचानो, डिफरेंट रहता ना वो अपन को पहचानना है। अभी देखो ये पिक्चर्स है, ओके ये दोनों पिक्चर्स है, ओके इसको ऑब्जर्व करने का है। देखो यहाँ पे एक स्लाइड जैसा है, यहाँ ये पिक्चर में भी स्लाइड है, ओके ये बच्चा स्लाइड में से देखो ऊपर आ रहा है, ये भी बच्चा स्लाइड में से ऊपर आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखो ये स्लाइड पे एक मोटू सा आदमी बैठा है, ये दूसरे स्लाइड पे भी है, ये स्लाइड में ट्री है, ये साइड में भी ट्री है, ओके। अभी देखो यहाँ पे एक डॉगी है, ये पिक्चर में भी डॉगी है, और ये पे यहाँ पे देखो एक कुछ चीज दिख रही है ना ये पिक्चर में, जैसे बलून टाइप, तो ये पिक्चर में नहीं है, ओके डिफरेंट समझ में आया, सब सेम है लेकिन डॉगी के पास ये एक बलून वाली यहाँ पे चीज नहीं है और यहाँ पे है, ओके। देखो अभी नेक्स्ट पिक्चर देखो, अभी क्या लिखा है, गटात न बसणारी आकृती ओळखा त्यावर अशी खून करा, ओके। अभी ये जो आपको जो पिक्चर्स दी है उसमें कौन सा पिक्चर नहीं बैठ रहा है, ये सब पिक्चर्स में कौन सा पिक्चर डिफरेंट है, यानी अपन को डिफरेंट पहचानना है, ओके तो इसमें से कौन सा पिक्चर अपन को डिफरेंट है वो आपको पहचानना है और इसमें से राइट वाली टिक करनी है, ओके। देखो ये चौकोन है, इसको मराठी में चौकोन बोलते हैं, आयत है और त्रिकोण है, ओके ये सर्कल वाला थोड़ा अलग है देखो, ओके तो इसको टिक आएगा। ये स्माइल है, ये देखो ये स्माइल है, ये देखो इसकी आंखें देखो ऐसे ऊपर टाइप है ना, ये नीचे है, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर टाइप है, ओके तो ये जो ये है ये आपको राइट आएगा, मतलब ये इसमें नहीं बैठ रहा है, डिफरेंट है। अभी ये जैसे अपन ने ऊपर का देखा, ये और ये जैसे सर्कल सर्कल है इसमें नहीं बैठता है, तो सर्कल यहाँ पे क्या है डिफरेंट है। इज दैट क्लियर, ये सबको समझ में आया। अभी नीचे देखो आकारात कसा फरक पड़ेल ते सांगा। अभी देखो मतलब न कैसा लिखने का, पहले क्या आता है यहाँ पे जीरो आता है, ओके उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन आती है, ओके यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन आती है, ओके यहाँ पे एक ऊपर वाली स्लिपिंग लाइन, ये समझ में आया आपको। अभी देखो ये ग है, ग म भ, ओके अभी इसका भी देखो कैसा आता है, पहले ऐसा ग आता है, ओके बाद में इसको ऐसा ये दिया है ग, ये ग बन गया। अभी म, म को सेम ऐसा ज्वाइन करना है तो म आएगा। अभी भ, भ भी इसको ऐसा ज्वाइन करते ऊपर से स्टैंडिंग लाइन, तो ये भ बनता है, ओके। अभी देखो ट ड ई ई, ये एक ही वर्ड से बनता है, देखो पहले ऐसा ट निकालते हैं ऐसी स्टैंडिंग लाइन, ऐसा ट है ना, उसको ये ऐसा ड, उसको ये ऐसी ई और ई के ऊपर ऐसी मात्रा। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये प, प देखो कैसा बनता है, पहले ऐसा शेप फिर उसको ऐसे स्टैंडिंग लाइन, अभी इसके ऊपर ऐसा फो, ओके ये आपको आ गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा आपको, मतलब समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो एक मराठी की ये ली है, अंकल पी जिसको बोलते हैं, ओके तो दैट अपन अभी ये सीखेंगे, ओके देखो आकारानुसार गटात न बसणारे अक्षर ओळखा व त्याखाली रेष ओढा। मतलब ये जो है अपन बोलते ना इसमें से डिफरेंट पहचानना है, मतलब ये जो है ये व्यंजन है, ओके अभी व्यंजन में कैसा है, कौन सा वर्ड वो व्यंजन में नहीं बैठता है वो अपन को क्या करना है, सर्कल करना है। लिसन ईयर, प अभी प की बाराखड़ी देखो, प की बाराखड़ी में क्या है, प फ ब भ म, ओके यहाँ पे देखो क्या है, प श क ल, अभी वहां पे प है ये बाराखड़ी में है, फ है, श है नहीं है, तो श में सर्कल आएगा, फ है, ल है, देखो ल है क्या प के बाराखड़ी में, नहीं है, तो उसको क्या आएगा, सर्कल आएगा, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। अभी नेक्स्ट देखो क के बाराखड़ी, क र ब व, ओके र देखो ये य र ल व श है ना बाराखड़ी में, वो र की बाराखड़ी में य र ल व श, इसमें क है नहीं है, तो इसको सर्कल आया, र है तो उसको सर्कल नहीं आएगा, ब है देखो इसमें ब है क्या, नहीं है, तो उसको सर्कल आया, व है।